ऋग्वैदिक काल में गविष्ठी शब्द युद्ध के लिए था, जिसका अर्थ था गायों की खोज। गायों को उस समय संपत्ति माना जाता था और दान में गाय और महिलाएं दी जाती थी पुजारियों को। भूमि को कोई निजी संपत्ति नहीं मानी जाती थी वैदिक काल में। महाजनपद काल के गणतंत्रता गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में थी। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। इसका आंसर हो गया केवल दो सही है, क्योंकि जो महाजनपद के काल थे उसमें दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। पहला राजशाही राज्य था और दूसरा गण संघ, जो कि गणराज्य कहा जाता था। तो राजशाही महाजनपद जो था वो जो गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है वो वाला था, और इसके विपरीत जो गण संघ था वो पहाड़ वाला जो एरिया है वो था। तो मुक्त विचार वाले जो भी मानसिकता वाले लोग होते थे, जिनको मैदानी इलाके में जो बढ़ती हुई रूढ़िवादी और जाति प्रथा थी उससे संतुष्ट नहीं होते थे, वो मुक्त विचार के चलते गण संघ मतलब पहाड़ी एरिया में जाकर रहा करते थे। और इसलिए यहाँ जो कथन है समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में थी, ये गलत है, और अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। और जो गणराज्य है, गणतंत्र वाला जो राज्य है, वहीं से मुक्त विचार के लोग रहते थे और वो समाजवादी टाइप के रहते थे, और वहीं से आपका दो धर्म निकला, महावीर और बौद्ध धर्म के जो बुद्ध थे वो गणराज्य से ही रिलेटेड थे। निम्नांकित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी? देखिए, ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा नहीं होती थी पूछा है, तो अग्नि की पूजा होती थी, पृथ्वी की पूजा होती थी, वायु की भी होती थी, लेकिन लिंग की पूजा नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल में इस समय उन्हीं चीज़ों की पूजा होती थी जिसको लोग देख सकते थे या अनुभव कर सकते थे। तो जो अनुभव किया जा सकता था, देखा जाता, जैसे पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, वरुण हो गया, जो वर्षा के देवता है इंद्र हो गया, और दो लेडीज देवी थी, उषा थी जो भोर की उपस्थिति की देवी थी, और अदिति जो अनंत काल की देवी थी। और ऋग्वैदिक काल में मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था जो अब उत्तर पूर्व भारत में पश्चिम बिहार राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बिहार राज्य की बात कर रहा है, तो ये आपका मगध राज्य था। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे? नहीं, दास और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे, एक गलत है। राजाओं के पास राजधानी नहर या महल नहीं थे, दो सही है। ऋग्वैदिक वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सबसे पुराना वेद है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसमें 1000 से अधिक है, इसमें 1000 से अधिक सूक्तियाँ हैं। हाँ, तो इस ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं, 10 मंडल है, और यह सबसे पुराना वेद है। ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण वैदिक साहित्य का भाग है, अरण्य वैदिक साहित्य का भाग है, उपनिषद भी वैदिक साहित्य का भाग है, भगवत गीता वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, यह एक महाकाव्य है। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। 10 मंडल है ऋग्वैदिक वेद में, और 1028 सूक्तियाँ हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और पूछता है कि नवे मंडल में क्या है, तो नवे मंडल में सोम सूक्त है, दसवें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें जाति व्यवस्था के बारे में कहा गया है। लेकिन ये जो है दसवां मंडल काफ़ी विवादित है, अधिकतर इतिहासकार इसको मिलावट कहते हैं, और इसको कहते हैं कि ये काफ़ी बाद में जोड़ा गया है। इसको मानते हैं कि मुगल काल के बाद इसमें दसवां मंडल जोड़ा गया है। प्राचीन काल में ग्राम व्यवस्था के संदर्भ में असत्य युग्मों की चयन कीजिए। ग्राम भोजक सबसे बड़ा जमींदार होता था, गृहपट्टी छोटे जमींदार होते थे, दास कर्मकार भूमि के स्वामी होते थे। देखिए, ग्राम भोजक जो था, जो ग्राम भोजक था वो आज के मुखिया टाइप का होता था, जो कि बड़े जमींदार हुआ करते थे, और गृहपति छोटे जमींदार हुआ करते थे। ए और बी, वन और टू दोनों सही है। और दास कर्मकार भूमि के स्वामी नहीं हुआ करते थे, दास कर्मकार जो थे ये काम करने वाले होते हैं, जो कि दूसरे की भूमि पर काम करते थे, इनका अपना स्वयं की कोई भूमि नहीं होती थी। तो आंसर ए और दो और एक, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? असत्य है तो थ्री असत्य है। भारत के संदर्भ में भग, दूध, संग्राहिता और अच्छ वापा शब्द किससे संबंधित है? ये जो है शब्द राजस्व प्रणाली से संबंधित है।